हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 2 और हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा कि हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड हम एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके, और एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन के थ्रू। आज हम देखेंगे हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड अल्कोहल से किस किस तरह से बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस तरह से, कई रिएजेंट से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ये सारे रिएक्शन ब्रांड न्यू है, आपने 11th में नहीं पढ़े हैं, तो सभी रिएक्शन का इन डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे और इंपॉर्टेंस समझेंगे अलग अलग रिएजेंट का। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, ROH, R हो गया कोई अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और एरो के ऊपर हम कोई रिएजेंट लिखेंगे, ठीक है, और उस रिएजेंट को लगाते ही ये बन जाएगा RCl। OH माइनस निकल गया, Cl माइनस अंदर आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बात यह कि रिएजेंट कौन कौन से हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला रिएजेंट देखो, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकस का रिएजेंट। इससे एक ल्यूकस टेस्ट भी आएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। टेस्ट वो होते हैं जिसके हेल्प से आप दो कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये ल्यूकस रिएजेंट, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। दूसरा रिएजेंट है PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ये दो स्टेट में मिलेगा, गैसेस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्रोडक्ट तो यही रहेगा बट थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री और मैकेनिज्म में डिफरेंस रहेगा, तो पढ़ेंगे इन डिटेल। तीसरा रिएजेंट होगा PCl3, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, प्रोडक्ट फिर से अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा बट मैकेनिज्म फिर डिफरेंट होगा और बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। इन दोनों में ना मिक्सिंग करता है एग्जाम में, इन दोनों में मेन प्रोडक्ट तो यही है पर बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, तो एग्जाम में लिख देता है बैलेंस रिएक्शन लिखो, तो ये तो याद रहता है बच्चे को, बाई प्रोडक्ट ध्यान से देखना दोनों के। और चौथा हम पढ़ेंगे SOCl2, बेस्ट मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, इसको बोलते हैं डार्जेंस मैथड, डार्जेंस मेथड। तो कुछ नेम रिएक्शन भी आए हैं, टेस्ट भी आए हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और ये सारे रिएक्शन अब हम अल्कोहल चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में ऐसा होगा जैसे जैसे यहां पढ़ते जाओगे आगे के रिएक्शन कम होते जाएंगे, ठीक है। अल्कोहल चैप्टर में भी यही रिएक्शन देखेंगे, तो अभी कंप्लीट कर लिया, इसको नोट करें, इतना छाप लिया, पॉज करके नोट कर लें, कर लिया, स्टार्ट करें पहले रिएक्शन से। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने जो रिएजेंट लिया वो है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, इसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट। इससे हमें ल्यूकस टेस्ट देखना होगा अभी कैसे होता है। ROH अल्कोहल प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा एनहाइड्रस ZnCl2, कहा जाता है ZnCl2 यहां से OH को निकालने में हेल्प करता है, कहा जाता है, मैकेनिज्म अभी देखेंगे समझ में आएगा क्या रोल है, कहा जाता है OH को निकालता है। खैर हुआ क्या, यहां से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस बाहर आया और Cl माइनस अंदर गया, RCl, OH बाहर आया, H से कंबाइन किया H2O, तो बोर्ड में बैलेंस रिएक्शन लिखने को बोलता है, सिंपल रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है, HCl से रिएक्ट करा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस को हटा दो, Cl को लगा दो, OH H से कंबाइन करके H2। अब बात आती है सर कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 SN2 क्या है,
मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से क्लियर होगा। शुरू करें मैकेनिज्म इसकी, चलिए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि ये आर ओ एच हमें मिला, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, और रिएक्ट किया जेड एन सी एल टू से, एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू। अब जिंक आपको पता है डी ब्लॉक से आया है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, लुइस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया और बना आर ओ एच, और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जेड एन सी एल टू। अब बच्चों ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया और जिंक के ऊपर माइनस आया। भाई दोनों अपने अपने हिसाब से एक तरह से कंप्लीट थे, बट इसने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया था, इसके ऊपर प्लस, उसके ऊपर माइनस का साइन आया। ठीक है, अब ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके ऊपर आप प्लस चार्ज, प्लस चार्ज मतलब आपने उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया। भाई एक तो ऐसे ही वो जिद्दी है कि दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऊपर से आपने उसका इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, है ना, उसका मूड बड़ा खराब, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अगर आपसे पूछें कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये ज्यादा, ओ प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसे अब और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने कहा कार्बन से, यहां अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कार्बन से कहा कि इलेक्ट्रॉन दो, तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना ताकि इसका प्लस चार्ज खत्म हो, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होके, तो हमें मिला कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया अल्काइल ग्रुप का, तो आर प्लस, और मिला जेड एन सी एल टू माइनस, और इसके ऊपर देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस चार्ज खत्म, साथ में OH, ये हमें मिला। बोलिए बात समझ में आई। सबसे पहले इसके लोन पेयर ने अटैक किया जेड एन सी एल टू पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इसको इलेक्ट्रॉन दिया है वैलेंस शेल से, तो इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, फिर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, कार्बन पे प्लस आ गया अल्काइल ग्रुप पे, और इसका चार्ज खत्म, जेड एन पे तो नेगेटिव है ये। ध्यान से देखो इसका इंटरमीडिएट ये क्या है, आर प्लस सी एच थ्री प्लस सी टू एच फाइव प्लस कार्बोकेटाइन। सो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब जिन लोग को याद है अच्छी बात है कि ये SN1 में ऐसा बनता था, नहीं याद है तो आज सुन लो। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझते हैं कि यहां से एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया OH- और दूसरा अंदर आया, तो सब्स्टिट्यूशन तो समझते ही हैं कि एक गया दूसरा आया। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियस के लवर का। अब देखो यहां से कौन निकला OH-, ये किससे प्यार करेगा, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो OH- किसका लवर है, न्यूक्लियस का लवर है, तो एक न्यूक्लियस का लवर बाहर गया और Cl- एक न्यूक्लियस का लवर अंदर आया, इसको बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये फेमस होता था SN1 है कि SN2, तो जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाए दैट इज नोन एज SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 हो रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब HCl का रोल आया, HCl का रोल आया, इसके ऊपर अटैक किया Cl-, इसके ऊपर अटैक किया H+, Cl- अटैक करते ही बन गया RCl, H+ यहां अटैक किया, यहां से OH- को ले गया H2O, और ZnCl2 क्योंकि कैटलिस्ट था तो जैसा यूज किया था वैसा बाहर निकल गया। कैटलिस्ट का यही तो काम होता है कि बाद में देखा तो लगा ही नहीं कहीं यूज हुआ, तभी तो एरो पे लिखते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले स्टेप में इसने कोऑर्डिनेट किया ZnCl2 से, इस पे माइनस, इस पे प्लस आया, फिर इसने कहा हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये न्यूट्रल हुआ, R पे प्लस आया, R प्लस मतलब कार्बोकेटायन CH3+ C2H5+ जो भी है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो वो SN1 रिएक्शन है। फिर मैंने कहा कि यहां से ये निकला, फिर ये ZnCl2- और OH आया, फिर इस पे Cl- अटैक किया, इस पे H+, दिस HCl, Cl- इस पे जुड़ा RCl, H+ यहां से OH- H2O और ZnCl2। अब बात आती है थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कि ये जो बना है ये इन्वर्टेड है कि रिटेंशन है, अभी समझ में आएगा इन्वर्टेड रिटेंशन, एक एग्जांपल देंगे एकदम पक्का क्लियर होगा। ठीक है, अभी सुन लो, इन्वर्टेड है कि रिटेंटेड है, सुनो कई लोगों ने 11th नहीं पढ़ा, मुझे पता है, टेंशन नहीं। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, C, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी,
और ये तीनों वैलेंसी एक प्लेन के अंदर होती है। जैसे यहां पे R की जगह हो सकता हो आपको मिलता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, R की जगह कैल्काइल ग्रुप, लेट अस सपोज इट इज CH3+, बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटायन है 1 डिग्री, खैर एनीवे CH3+, तो एक एच यहां, ये तीनों एक ही प्लेन में ऐसे हैं। अब ये देखो p ऑर्बिटल कार्बन की, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, आर यू गेटिंग इट? CH3+ ऐसे एक प्लेन में होता है। कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर स्पीशी, इट इज अ प्लेनर स्पीशी। सोच रहे हो सब क्यों बता रहे हैं सर, सुनो ध्यान से, मजा आने वाला है अभी। जो CH3 बना, ये जो R+ बना, ये प्लेनर है, एक प्लेन में ऐसे है, ठीक है। कार्बन की तीन वैलेंसी है, कुछ भी लगा हो सकता है, यहां प्लेनर है। अब जो Cl- अटैक कर रहा, वो Cl- इस पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है और इस पे नीचे से भी अटैक कर सकता है। Cl- ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, यानी यहां दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक जब ऊपर से अटैक करा, एक जब नीचे से अटैक करा। एक को हम बोलते हैं रिटेंशन, एक को बोलते हैं इन्वर्जन। अभी एक एग्जांपल देके दिखाएंगे रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होते हैं। अभी ये लिखो कि यहां जो प्रोडक्ट बना है दैट इज रेसमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक रिटेंशन वाला है, एक इन्वर्जन वाला। जिनको कुछ नहीं आता ये समझ लो कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, पीपीएल को, एक एंटी क्लॉकवाइज, नेट रोटेशन जीरो। तो हमने बोला इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर बना है। क्या क्या बनेगा यहां पे? रिटेंशन भी बनेगा और इन्वर्जन भी बनेगा। रिटेंशन भी बनेगा, वैसे इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा बनता है, सच्चाई ये भी है, थोड़ा सा इन्वर्जन ज्यादा बनता है, बट अदरवाइज हम लिखते रेसमिक मिक्सचर ही है, पहले नोट करें इतना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, याद रखना, इससे भी फर्क पड़ेगा इसके मैकेनिज्म पे। मुझे पता है स्टीरियो केमिस्ट्री में कई बच्चों के हाथ पांव फूल रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी हम एक सवाल करेंगे एकदम 100% क्लियर होगा उससे। नोट करें पहले इतना मैकेनिज्म पूरा। कई लोग कह रहे हैं सर मैकेनिज्म का क्या जरूरत, हम ये रट के चले जाएंगे, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम, मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगी। नोट करें इसको, नोट कर लिया, छाप लिया है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस। मिटा रहे, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, प्लेनर, Cl- यहां से भी अटैक कर सकता है, Cl- यहां से भी कर सकता है। एक तरफ से हम बोलते हैं रिटेंशन, एक तरफ से इन्वर्जन। अभी दिखा रहे हैं मतलब, अब देखो मतलब समझाते हैं। पता है इन सब का मतलब तभी होता है जब आपके पास कोई काइरल कार्बन हो। सर कितनी नई नई बातें कर रहे हो। काइरल कार्बन बच्चों ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। CH3COH फिनाइल ग्रुप, कंसेंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपको पता है होगा क्या, यहां से OH- निकल जाएगा और Cl अंदर आएगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। CH3CCl, एक तो ये बनेगा और दूसरा देखो ये बनेगा CH3CCl। अब कुछ समझ में आया कि ये जो स्पीशी बनी होगी यहां पे जब प्लस लगा होगा, तीन वैलेंसी, ये प्लेनर रही होगी, तो Cl आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, ऊपर से और नीचे से भी। अब सुनो ध्यान से, इसको यहां से मिलाओ तो जैसा था वैसा ही लग रहा है, मतलब जिस साइड OH था उसी साइड Cl। तो इसको हम बोलते हैं रिटेन किया अपनी पोजीशन को, तो इसके कंपैरिजन में इसको हम बोलेंगे रिटेंशन। और इससे उसको कंपेयर करो तो पलट गया है, OH इधर था, घूम के Cl उधर लगा, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये लीवो बन गया होगा, ऐसा कुछ गारंटी है और ये डेक्स्ट्रो तो वो भी डेक्स्ट्रो। तो रिटेंशन और इन्वर्जन साथ में हुआ, नेट मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। तो याद रखें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा इस रिएक्शन में, ल्यूकस रिएजेंट में, कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं,
तो आप बोलोगे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव है, तो आप बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे ही केस में ये सब करना है, जब कार्बन की फोर डिफरेंट वैलेंसी हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ऑर्गेनिक डेप्थ में समझना है तो जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारी सीरीज हमारी क्लास 11 की देखिए, हमारी देखिए या एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। जब कार्बन की चार वैलेंसी डिफरेंट हो तभी ये सब बात करेंगे, अगर कोई भी दो वैलेंसी सेम है तो ये सब बातें तब नहीं होती। सिर्फ इस केस में कार्बन हैज फोर डिफरेंट वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं काइरल कार्बन। क्लियर हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री? एक तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, इसको नोट कर ले पहले। सबको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, रिटेंशन मतलब जिधर हुए उधर सीएल, इन्वर्जन मतलब उसके अपोजिट साइड, दोनों बन गए तो बोला रेसिमिक मिक्सचर। मिटा रहे? अच्छा, अब सुनो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आपने देखा था कार्बोकेटायन बन रहा था, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी तेज रिएक्शन होगा भाई, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट उतना तेज रिएक्शन। वैसे तो ये SN1 का रूल ही था कि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा SN1। अच्छा, कहने का मतलब मान लो आपके पास तीन तरह के अल्कोहल हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं पूछूं कौन सबसे तेजी से ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, यहां से ध्यान से देखो क्या होगा, ये OH कोऑर्डिनेट वगैरह करेगा है ना, वहां से फिर ये पूरा निकल जाएगा, फिर यहां पे प्लस आएगा, यानी ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहां से क्या होगा, ये OH कोऑर्डिनेट करेगा, फिर ये पूरा निकल जाएगा, ये प्लस दो तरफ कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये जब निकलेगा तो यहां प्लस सिर्फ एक तरफ कार्बन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सबको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता है, क्या ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इस रिएक्शन का रेट भी ऐसा ही होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्ट करेंगे ल्यूकस रिएजेंट से, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और इसी बात पे बेस्ड है ल्यूकस टेस्ट। कहने को हम ये बोल देते हैं 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, पर रियलिटी की लाइन ये है बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये ल्यूकस रिएजेंट वाला रिएक्शन बहुत तेज होगा। इसी कहानी पे बेस्ड है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट क्या है जरा देखें, ROH कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, बना RCl और वाटर निकला ना, OH निकला यहां से, Cl आया और OH, ये जो RCl बना ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट। अब कलर्ड प्रेसिपिटेट है यानी कोई चीज ऑब्जर्व हो सकती है, अब टेस्ट बन सकता है। टेस्ट तभी बनता है जब कोई चीज ऑब्जर्व हो रही हो, कोई ग्रास निकल रही है, रेडिश ब्राउन गैस है ना, कोई ऐसी गैस है जिसकी स्मेल खराब है ना, कोई ऐसी चीज जिसका वाइट प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, कलर चेंज हुआ, कुछ दिखना चाहिए। अब हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो बच्चों वो ये रिएक्शन तेज करेगा कि धीमे करेगा, सोच के बताओ। 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, वेरी वेरी स्टेबल, तेज रिएक्शन होगा। तो हमने देखा 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ये जो RCl का वाइट प्रेसिपिटेट है वो इमीडिएटली अपेयर हुआ, जैसे ही ल्यूकस रिएजेंट आपने ऐड किया तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट बना। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में अब बताओ क्या होगा, अगर ल्यूकस रिएजेंट डाले वाइट प्रेसिपिटेट बना, वाइट पीपीटी बना, कैसे बनेगा, इससे तेज कि इससे कम, इससे धीमे, इससे धीमे बनेगा, 2 डिग्री इतना स्टेबल नहीं, धीमे रिएक्शन हुआ। तो हमने देखा वाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ल्यूकस रिएजेंट डालने के 5 से 10 मिनट बाद इसने वाइट प्रेसिपिटेट बनाया। फिर जब 1 डिग्री अल्कोहल की बात हुई तो आपको एक खास चीज दिखाई पड़ेगी, देयर इज नो वाइट प्रेसिपिटेट,
बट एनसीईआरटी लिखता है कि वाइट प्रेसिपिटेट देर में बनता है। अब समझाते हैं प्रॉब्लम क्या है। देर इज नो वाइट प्रेसिपिटेट, देर इज नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, रिएक्शन होना नहीं चाहता। हाँ, अगर आप इसको हीट कर दो तब हो सकता हो वाइट पीपीटी दिख जाए। टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है, केमिकल काइनेटिक्स में आपने ये चीज पढ़ी है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा के हो सकता है ये वाइट प्रेसिपिटेट दे दे। नाउ दिस इज नोन एज ल्यूकस टेस्ट, यूजिंग विच यू कैन डिस्टिंग्विश 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शियरी, 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी और 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी। तो अब ये चीज हम अल्कोहल चैप्टर में नहीं पढ़ाएंगे। बढ़िया सवाल हो गया, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल यूजिंग ल्यूकस टेस्ट। नोट करें, 3 डिग्री रिएक्शन खटाक से किया, वाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली। 2 डिग्री थोड़ा धीमे किया, वाइट प्रेसिपिटेट 5 से 10 मिनट्स बाद। 1 डिग्री नो वाइट प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर। कई बार लिखा होता है इनफाइनाइट टाइम बाद वाइट प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। ये तो SN1 का रूल ही है, SN1 1 डिग्री दिखाता ही नहीं। SN1 किसी ने SN1 अच्छे से पढ़ा तो उसको बताओ 1 डिग्री SN1 शो ही नहीं करता है, 1 डिग्री SN2 शो करता है। अब कंफ्यूज ना हो SN1 SN2 क्या, अभी आएगा इस चैप्टर में बाद में, अभी छोड़ दो। समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया। कार्बोकेटाइन बना, अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट। क्लियर है, टेंशन में मत जाओ। अब बोले इससे सर क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो इस पे 2 तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले इसको नोट कर लो, 1 डिग्री गिव्स नो वाइट प्रेसिपिटेट यानी नो ल्यूकस टेस्ट फॉर 1 डिग्री। अब देखो सवाल क्या आ सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रेट को 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे मत पकड़ना, रेट को मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। खैर क्वेश्चन देखते हैं, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन टू ऑल एंड इथेनॉल, ठीक है। उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, कॉमन नेम थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कई बार दे देता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल। हमने कहा कैसे डिस्टिंग्विश करें, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेन यानी 1, 2, 3 कार्बन, 2 नंबर पे ऑल तो 2 नंबर पे अल्कोहल लगा लिया, ये होगा प्रोपेन टू ऑल। इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन, सेकेंड नंबर पे ऑल है OH लगा दिया CH3 CH2 OH, ये हो गया इथेनॉल। ध्यान से देखो क्या दोनों की डिग्री अलग अलग है, ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा है। यहां OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कैसा हो गया, 2 डिग्री। सो दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। क्या ल्यूकस टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल। तो आप बोलोगे ऑन एडिंग कंसेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 या इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकस रिएजेंट इन केस ऑफ प्रोपेन टू ऑल, इन केस ऑफ प्रोपेन टू ऑल वाइट पीपीटी इज ऑब्जर्व्ड इन 5 to 10 मिनट्स एंड इन केस ऑफ इथेनॉल ऑन एडिंग ल्यूकस रिएजेंट that is concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, no white PPT at room temperature. अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, बोर्ड में गलती ये करते हैं कि यहाँ पे वो RCl लिख देते हैं या ये लिख देते हैं white precipitate of alkyl chloride is observed. ना, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो बताओ, तुम्हें देख के थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि वो अल्काइल हैलाइड बना है, तुम्हें देख के सिर्फ कलर दिख रहा है और दिख रहा है इनसॉल्युबल है कि प्रेसिपिटेट है। तो आप इतना ही स्टेट करोगे वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड, नो वाइट प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर, बस ये नहीं बताने लगना वाइट प्रेसिपिटेटेड ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, समझ में आ गया। और ये नहीं कि बैलेंस यहां पे रिएक्शन लिख रहे हैं, कोई नंबर नहीं मिलेंगे रिएक्शन लिखने के यहां पे।
अगर आपने ये बात नहीं स्टेट की, कोई नंबर, कई बच्चे मेरे गलती करते हैं केमिस्ट्री में, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, कई बच्चे मेरे गलती करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखाते हैं कंसिडर HCl के साथ, और इसमें कहते हैं नहीं रिएक्शन हुआ, इसमें कहते हैं रिएक्शन हुआ, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना है, ये तो आप रट के आ गए, क्या देखा लैब में, कैसे डिस्टिंग्विश करेगा बंदा, इसमें ल्यूकस रिएजेंट डाला, उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाला, यहां देखा व्हाइट प्रेसिपिटेट, वहां देखा व्हाइट प्रेसिपिटेट, नहीं बना। तो जब भी ऐसे कोई अल्कोहल बने जिसकी डिग्री अलग अलग हो, देन यू कैन यूज ल्यूकस टेस्ट। हाँ, यहीं पे कोई कहता इथेनॉल और मिथेनॉल में डिस्टिंग्विश करो, तो नहीं कर सकते थे, दोनों वन डिग्री है। कोई कहता इथेनॉल और मिथेनॉल, बोलता इसमें डिस्टिंग्विश करो, देन यू कैन नॉट डू, दोनों वन डिग्री है, तब क्या करेंगे, अल्कोहल चैप्टर आने दो, वहां देखेंगे क्या कर सकते हैं, इसके भी केसेस रहेंगे, नोट कर ले, छाप लिया पॉज करके। ये भी कह सकते हो दिस गिव्स पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट, दिस डज नॉट गिव पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट, नीचे ल्यूकस टेस्ट समझा देना अपनी भाषा में क्या होता है। जरा एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं क्वेश्चन, Which of the following give positive ल्यूकस test? Option A, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, बताएं, मोर देन वन मे बी करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग और फॉलोइंग्स गिव पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट, कौन कौन ल्यूकस टेस्ट देगा, बताएं, कर लिया जाए, पॉज करके ट्राई कर लिया आपने, डिग्री देखो, डिग्री ये कितने डिग्री का है, वन डिग्री, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, टू डिग्री, जो कार्बन OH से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, ये कितने डिग्री का है, जो कार्बन OH से जुड़ा है वो कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है, भाई ये बेंजीन है ना, CH, 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 तो ये भी कैसा हुआ, वन डिग्री नहीं आया, ये तो वन डिग्री है ना, जो OH से कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, जो OH से कार्बन जुड़ा है वो दो कार्बन से, टू डिग्री हो गया, जो OH से कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन से, वन डिग्री, जो OH से कार्बन जुड़ा है वो तीन कार्बन से, थ्री डिग्री। तो आपको हमने क्या पढ़ाया कि वन डिग्री नहीं शो करते, तो ये तो नहीं शो करेगा, और ये नहीं शो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, बोले भाई 2 डिग्री ल्यूकस टेस्ट देगा, कितनी देर में, 5 से 10 मिनट में, और ये तो इमीडिएटली, क्लियर है। अब इसमें ये भी देता है, इसीलिए पढ़ाया ये 1 डिग्री है मान, बट रूल 1 डिग्री नहीं था, रूल था रेट इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, आपको याद हो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, इट इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, जरा स्ट्रक्चर देख लो सबको याद आ जाएगा, भले ही रेजोनेंस ना पढ़ा हो, ये बनेगा, अरे ये OH जाके कोऑर्डिनेट करेगा, फिर O वहां कोऑर्डिनेट करेगा, पूरा O वाला स्ट्रक्चर निकल जाएगा, R पे प्लस आएगा, ये बनेगा, ध्यान से देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल या प्लस चार्ज है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मस्त एकदम कॉन्जुगेशन है, खतरनाक, दिस इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ये पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, अगर आपको ये देखना हो तो YouTube पे सर्च करना कार्बोकेटायन फिजिक्स वाला, वहां मैंने पूरा डिटेल में स्टेबिलिटी समझाई है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन ये, उसके बाद ये पड़ता है तब ये आता है, सो दिस इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, और जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा SN1, तो 1 डिग्री 2 डिग्री पकड़ना सही है, पर देखना कहीं स्टेबल कार्बोकेटायन तो नहीं है, क्लियर है इतनी बातें, मिटाला जाए इसको, ओके, तो ये भी शो करेगा, आंसर ये है ना, बी सी डी तीनों शो करेंगे, सिर्फ ए नहीं। चलिए, तो आपको हमने इसका मैकेनिज्म बताया, स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और मैकेनिज्म SN1 है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, और ल्यूकस टेस्ट है, 3 डिग्री सबसे पहले वाइट प्रेसिपिटेट, 2 डिग्री 5-10 मिनट में, और 1 डिग्री नहीं देता है, एक्सेप्शनल केस है बेंजाइल कार्बोकेटायन जब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। चलिए, अब सेकेंड मैथड देखते हैं आज की क्लास का, यूजिंग PCl5।
तो हमने यहाँ पे ले लिया ROH अल्कोहल, PCl5 और PCl3 का डिफरेंस देखते रहना, प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन कराया, हमें मिला RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। बैलेंस रिएक्शन कई बार दे देता है, सिंपल मान लो बोल दिया इथेनॉल से रिएक्शन कराओ, CH3CH2OH प्लस PCl5 विल गिव CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। है ना, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बैलेंस्ड है, एकदम परफेक्ट बैलेंस, कोई टेंशन नहीं है। एक Cl अंदर आया, OH बाहर गया, एक Cl अंदर आया, OH यहाँ से बाहर चला गया, CH3CH2Cl। यहाँ अभी चार Cl बचे हैं, एक Cl HCl में और तीन Cl POCl3F1 में। ये मैकेनिज्म देखेंगे, अभी तो ये कहानी है। नाउ PCl5 कैन एग्जिस्ट बोथ एज गैस एज वेल एज सॉलिड, और दोनों ही केस में मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, एंड प्रोडक्ट सेम होंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस होगा। बोर्ड लेवल में तो इसका यही सवाल आएगा, बनाओ तो बना लोगे आप, बोलेगा प्रोपेनॉल का रिएक्शन लिखो, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल ले लेना PCl5, यहाँ पे प्रोपेन क्लोराइड, प्रोपेन 1 क्लोराइड, यहाँ पे POCl3 प्लस HCl निकाल देना। अब देखा जाए कैसे रिएक्शन हो रहा है, दिखाएं, मिटा रहे हैं इसको। चलिए आइए मैकेनिज्म देखते हैं इसका, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस बाहर गया है, Cl माइनस अंदर आया है, SN1 है कि SN2, दोनों नहीं है ना, ये SN1 है ना ये SN2 है, ये SN इंट्रामोलिक्यूलर है। याद है मैंने 11th में बोला था एक SN इंट्रामोलिक्यूलर, छोड़ो अभी मैकेनिज्म देखो ना, नाम में क्या है, जहां कार्बोकैटायन बना SN1, SN इंट्रामोलिक्यूलर क्या, अभी तुम टेंशन नहीं लगता इतना रेसर, 11 का पढ़ लो अगर टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ROH रिएक्ट किया PCl5 से, फॉस्फोरस के पास आपको पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं, तो हुआ क्या कि पहले तो यहां से एक Cl- बाहर निकला, क्यों निकला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर फॉस्फोरस पे कोऑर्डिनेट किया। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, इसने फॉस्फोरस पे कोऑर्डिनेट किया, जैसे ही फॉस्फोरस पे कोऑर्डिनेट किया, फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो चक्कर में ता ही किसी तरह से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम बाहर निकले। इसने कहा फॉस्फोरस को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कह रहा हम तो चले, ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से भाग गया, किस तरह से निकला, Cl- की तरह निकलते ही फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज आने लगा होगा, पर वो तो ऑक्सीजन पहले ही बचा चुका है, तो क्या बना, ध्यान से देखो, ROH कोऑर्डिनेट बॉन्ड PCl, Cl, Cl, Cl। बोलो यहां तक समझ में आया। अच्छा, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ऑक्सीजन पे तो प्लस आना ही आना है, फास्फोरस पे प्लस क्यों नहीं आया, सबको समझ में आया, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो माइनस क्यों नहीं आया, फास्फोरस ने इसको, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था, ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया माइनस आना चाहिए, पर उसी टाइम पे Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो इसके ऊपर प्लस आना चाहिए, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, नहीं समझे, Cl इलेक्ट्रॉन लेके भागा, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी, ऑक्सीजन ने सप्लाई किया, तो फास्फोरस के चार्ज पे कोई असर नहीं, फास्फोरस के उधर अभी भी देखो चार ही बॉन्ड है, पांच ही बॉन्ड है, यहां भी पांच बॉन्ड, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा था, अब ऑक्सीजन का शेयर कर लिया, नॉन मेटल कोई फर्क नहीं, शेयरिंग इधर थी, शेयरिंग उधर हो गई, ऑक्सीजन को फर्क पड़ा, ऑक्सीजन यहां पे देखो 2 ही बॉन्ड बना के बैठा था, यहां 3 बना लिया, तो एक बॉन्ड इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे के बनाया, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आना स्वाभाविक है। इतनी बात समझ में आई आपको यहां पे। फिर क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया तो इसने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, आर से लेगा, पर रुको, मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट से मैकेनिज्म बनता है, आज एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बच्चों, कोई भी रिएक्शन जब हो जाता है ना केमिस्ट्री में, तब उसका रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिडिक्ट किया जाता है, ये प्रिडिक्शन है, सब कहानी है मनगढ़ंत सोची हुई कि ये प्रोडक्ट बना है तो ये हुआ होगा, बात समझ रहे हो, पहले मैकेनिज्म नहीं हुआ है, पहले प्रोडक्ट बन गया फिर थ्योरीज निकाली गई ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो H प्लस निकला, Cl माइनस को पकड़ा, बना लिया HCl, क्योंकि प्रोडक्ट में HCl है,
पहले रिएक्शन हुआ, पहले प्रोडक्ट्स बने, तब मैकेनिज्म प्रिडिक्ट हुआ, ये हमेशा याद रखना। मुझे ब्लेम मत करना ना केमिस्ट्री को, लोगों ने तब लिखी कहानी। क्या बना आप साथ में, आर ओ ऑक्सीजन का प्लस चार्ज गियो, चला गियो ना, हाइड्रोजन से उसने इलेक्ट्रॉन खींच के अपना प्लस चार्ज खत्म कर लिया, बन गया HCl। अब क्या हुआ, ये जो बना है ये आगे बढ़ेगा कहानी, ऐसे लिख लो HCl को, यहाँ पे लिख लूँ माइनस HCl, H प्लस और Cl माइनस माइनस HCl। अब क्या बना, R O P Cl 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 एंड Cl। अब क्या हुआ आगे देखते हैं, अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, फिर से सेम कहानी रिपीट हुई। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन फिर से फॉस्फोरस को दिए, जैसे शुरू में दिया था, फॉस्फोरस मन चला, वैकेंट ऑर्बिटल है, दे दे इलेक्ट्रॉन, दे दिया। ऑक्सीजन ने कहा फिर से लेगा, हाँ उसने कहा लेंगे, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्लोरीन फिर से फिराक में है कि हमको किस तरह से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन ने कहा हम चले, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, फॉस्फोरस को दिक्कत होगी क्योंकि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पर उसकी मदद फिर कौन करेगा इस बार, ऑक्सीजन। तो फिर से बाहर कौन निकलना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है, ध्यान से देखना क्या बना रहे हैं हम, आर ब्रेक करके दिखा रहे रिएक्शन, ओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड बन जाएगा, आर यू ओके, पहले एक बार इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बना, फिर इलेक्ट्रॉन दिया डबल बॉन्ड, पी सी एल सी एल सी एल। क्या फॉस्फोरस पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5 बॉन्ड उसके कंप्लीट है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया, ऑक्सीजन ने दिया, हाँ ऑक्सीजन का नुकसान फिर से हुआ, तो ऑक्सीजन पे फिर से प्लस चार्ज, ये वाला लोन पेयर बचा हुआ है, बना नहीं रहा इस बार भी, ये देने के बाद देखो एक लोन पेयर बचा हुआ था, दो लोन पेयर होते हैं ना, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, क्या हुआ, ऑक्सीजन ने कहा कि लोगे इलेक्ट्रॉन, इसने कहा हाँ हाँ वैकेंट ऑर्बिटल दे दो, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया इसने क्लोरीन से कहा तुम जा सकते हो, क्लोरीन ने कहा हम तो जाना ही चाहते थे, इलेक्ट्रॉन ले, क्लोरीन भागा सीएल माइनस, फॉस्फोरस के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, इलेक्ट्रॉन जो गया था वो ऑक्सीजन ने सप्लाई किया, पर ऑक्सीजन ने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। अब ये जो सीएल निकला है ये अभी बाहर नहीं गया, यही मंडरा रहा है सीएल माइनस, ये तुरंत तुरंत हुआ, हमने बना के ऐसे अलग अलग दिखा दिया, ये एक ही स्टेप में होगा, यहां यहां से यहां एक ही स्टेप है, हमने तोड़ तोड़ के दिखाया। अब देखो, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, इसको फिर बड़ी गुस्सा आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस बार किससे खींचेगा, अब एच भी नहीं है तो अब तो आर से ही खींचना पड़ेगा, जहां प्लस आया था तब तो एच से खींच लिया, अब तो आर से ही खींचना पड़ेगा, आर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका तो प्लस चार्ज खत्म, यानी निकला पी ओ सी एल थ्री, इलेक्ट्रॉन खींचा पी ओ प्लस चार्ज खत्म, पी ओ सी एल थ्री, और जैसे ही खींचेगा आर पे प्लस आ जाएगा, आर के प्लस से कौन चिपकेगा, सी एल माइनस, तो आर सी एल। देखो पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है, इससे स्टार्ट किया एक सी एल माइनस एच प्लस, एक एच सी एल निकला और बाद में पी ओ सी एल थ्री और आर सी एल। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म इन केस ऑफ गैसियस पी सी एल फाइव। अभी सॉलिड का मैकेनिज्म अलग से देखेंगे, नोट करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, पहले नोट करें मैकेनिज्म पूरा, देर इज नो कार्बो कैटाइन, देर इज नो कार्बो कैटाइन, याद रखें। क्लियर है मैकेनिज्म, ROH ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट किए इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, फास्फोरस ने एक्सेप्ट कर लिया, फास्फोरस जैसे ही लोन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन लेगा सीएल जा सकता है, जाना चाहता था सीएल माइनस, फास्फोरस कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देने के बाद, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए, एच प्लस से खींचा एच प्लस सीएल माइनस निकला एचसीएल, क्योंकि प्रोडक्ट में एचसीएल है इसलिए ऐसा किया। फिर ये बनी कहानी, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो गया हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके, फिर ऑक्सीजन ने फिर फॉस्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से फिर एक सीएल माइनस निकला, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ने वैलेंस शेल का दिया ऑक्सीजन पे प्लस आया, ये सीएल माइनस यहीं वंडर आ रहा था, ऑक्सीजन पे प्लस आया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने आर से इलेक्ट्रॉन खींचे, आर पे प्लस चार्ज आएगा, आर के इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्लस चार्ज आएगा, आर प्लस से सीएल कंबाइन किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, पीओ सीएल थ्री प्रोडक्ट निकला। अब बात आती है कि जो प्रोडक्ट बना है वो रिटेंशन है कि इन्वर्जन है। अब सुनो, हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां से यहां देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, यहां से यहां देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ओ एच माइनस गया सी एल माइनस आया, ओ एच माइनस किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव से यानी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस का लवर, Cl- किससे प्यार करेगा, तुमसे नहीं करेगा न्यूक्लियस से करेगा, है ना, तो ये भी न्यूक्लियस लवर है, एक न्यूक्लियस लवर गया दूसरा न्यूक्लियस लवर आया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है। बात आती है SN1 है SN2 है, ना SN इंट्रामोलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ है जो हुआ है,
जो हुई कहानी है जिसके ऊपर सीएल आया है, कब आया? देखो पहले अटैच हो गया, पहले दोनों मॉलिक्यूल मिल गए, फिर यहीं से सीएल निकल के इस पर अटैक, पता है ऐसे सीएल ऐसा नहीं कि यहां से निकल गया बाहर से अटैक, नहीं नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक हुआ है, विद इन द मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर, SNI। कौन सा मैकेनिज्म है? SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। आप लोग वहां पे कई बार बोले थे इसको पढ़ा दीजिए, तो नहीं पढ़ा सकते थे, अब पढ़ा रहे, सिलेबस में आ गया। अब बात आती है रिटेंशन है कि इन्वर्जन। अब सुन लो, जब भी विद इन द मॉलिक्यूल अटैक होगा, जब भी विद इन द मॉलिक्यूल ही कोई आके अटैक करेगा, तब आपका प्रोडक्ट रिटेंशन होगा। विद इन द मॉलिक्यूल इधर से चलता हुआ अटैक मार दिया, रिटेंशन, पीछे से अटैक नहीं होगा। इन्वर्जन मतलब पीछे से अटैक, पीछे से अटैक नहीं होगा। देयर इज नो कार्बोकेटायन, याद रखना। तो यहां कोई ऐसा नहीं होगा कि 3 डिग्री का रिएक्शन ज्यादा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं सोचना है। देयर इज नो कार्बोकेटायन, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर SN हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर, इधर ही से मार के अटैक कर दिया। क्लियर है? नोट कर लिया मैकेनिज्म, मिटा रहे। इन केस ऑफ गैसियस PCl5 वी गेट रिटेंशन, इन केस ऑफ गैसियस PCl5 वी गेट रिटेंशन। सॉलिड में इन्वर्जन होता है, वो भी देख लेते हैं, बाकी प्रोडक्ट सेम बनेगा। मिटा रहे हैं इसको, छाप लिया है, ओके। आइए अब देखते हैं सॉलिड PCl5 के केस में क्या होगा। बच्चों जो सॉलिड PCl5 होता है वो एग्जिस्ट करता है PCl4+ और PCl6-। आई होप ये आपने कभी ना कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा किताब में अपनी। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट इन PCl4+ एंड PCl6-। चलो हमने अल्कोहल लिया ROH, ROH बताओ किससे रिएक्ट करना चाहेगा, PCl4+ से कि PCl6- से? ROH अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है भाई, इसके ऊपर लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज से ही प्यार करेगा। अरे यार ये लोन पेयर किस पे अटैक मारना चाहेगा, इस पे, किस पे? इस पे ही चाहेगा ना, इस पे प्लस चार्ज है, है ना, दिख रहा है कि वल्नरेबल है, तो PCl4+ को पकड़ के ले आओ। ये ना PCl4+ लोन पेयर ने अटैक मारा है इसके ऊपर, क्योंकि फॉस्फोरस इस टाइम इलेक्ट्रॉन चाहता है, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ले लिया फॉस्फोरस ने, बना ROH PCl CL CL CL। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया है इन्होंने। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज हटाना है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हमें पता है हमें HCl निकालना भी है, पहले प्रोडक्ट का मैकेनिज्म, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा H+। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसकी जो कहानी थी वो खत्म हो गई, यहाँ पे -H+ निकला। ठीक है, यहीं पे बता दें दूसरा स्टेप, एक साथ दो स्टेप होंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो तुरंत फॉस्फोरस को ऑफर करने लगेगा, बगल में फॉस्फोरस है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, वो तो मांगने लगेगा। पर जैसे ही फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन मांगेगा, यहाँ से सीएल बाहर निकलना चाहेगा, ज़्यादा हो रहा, चलो एक करके चलते हैं धीमे धीमे। यहाँ से क्या हुआ, पहले H+ बाहर निकला, H+ बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। मैं ऑल्दो दो स्टेप में दिखा रहा हूं, ये कहानी एक स्टेप में होगी। अब देखो क्या हुआ, हाँ ये बन गया, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो गया। अब ऐसा होते ही ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर आ गए, तो इसने फॉस्फोरस को लोन पेयर डोनेट करना चाहा, और ऐसे केस में यहां से Cl- बाहर निकलता है, ये Cl- H+ को पकड़ लेगा, बाहर क्या निकला, HCl। ये दोनों स्टेप एक साथ हुई है, यही बता रहे थे, समझे। ऑक्सीजन पास इलेक्ट्रॉन आया, तुरंत फिर फॉस्फोरस से कहा लोगे, उसने बोला हाँ लाओ लाओ, और जैसे ही गएगा क्लोरीन कहेगा चलो हम निकल लेते हैं, मौका मिला तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, बना ROH PCl CL CL, एक सीएल बाहर चला गया और ऑक्सीजन के ऊपर फिर से प्लस चार्ज आ गया। बोलो यहां तक बात समझ में आई, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दिया अपने वैलेंस शेल का। अब ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आया तो फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, R+ को बाहर निकालना चाहेगा। अब PCl4+ का रोल हो चुका है, अब आया PCl6-। बच्चों PCl6- इज नथिंग बट PCl5+Cl-। PCl6- इज PCl5+Cl-। तो यहां से अटैक मारा PCl6- ने। अब इसमें से अटैकिंग रिएजेंट कौन बनेगा, इसमें से अटैकिंग रिएजेंट बनेगा अपना Cl-। अब ये Cl- अटैक करने गया PCl6- मतलब PCl5+Cl-। ये Cl- अटैक करने जब गया, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
क्या सीएल माइनस इस तरफ से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मॉलिक्यूल का पार्ट तो है नहीं कि घूम के कहीं से अटैक कर ले बॉन्ड घुमा के, इसको तो इस तरफ से ही जाने का मौका मिलेगा, सिर्फ पीछे से। पीछे देखो पीछे, है कि नहीं भाई, आगे से कैसे जाएगा? आर ने काम को इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, ऑक्सीजन का पीछे देखो पीछे सीएल माइनस आ रहा है, तो सीएल माइनस इस बार सामने से नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है। पिछली बार सीएल इसी का पार्ट था, तो यहीं से कहीं से ऐसे करके चिपक सकता था, पर ये तो बाहर से एक स्पीशी आ रही है, तो इसको अटैक करना पड़ेगा पीछे से, और बनेगा हमारे पास आर सी एल प्लस, इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज खत्म, पी ओ सी एल थ्री। और ये आर सी एल इस बार कैसा बना है? इनवर्जन वाला। तो बस यही डिफरेंस है गैसियस और सॉलिड पी सी एल फाइव में। गैसियस में रिटेंशन बनता है, सॉलिड में इन्वर्जन, बाकी रेस्ट ऑफ द बैलेंस रिएक्शन एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम। क्लियर? क्लियर हुआ? कहानी क्लियर हुई? अगर आप बोलोगे इसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये SN2 मैकेनिज्म के क्लोज है, नॉट SN1। कोई कार्बोकेटाइन अटैन नहीं बन रहा है और अटैक अगला मॉलिक्यूल पीछे से कर रहा है आके। ठीक है, नोट कर लें। अब बोलोगे सर इतनी देर पढ़ाया क्या मतलब हुआ, मिटार के बताते हैं, नोट कर लें। चलिए बस अब बात इतनी याद रखो, मैकेनिज्म अगर भूल भी जाओ नोट्स में इस बात पे बॉक्स बना लेना कि सॉलिड में होगा इन्वर्जन, गैस में होगा रिटेंशन। और अभी ल्यूकस में क्या पढ़ाया? ल्यूकस में दोनों एक साथ, तो रेसमिक मिक्सचर। हाँ, अब मान लो जैसे क्वेश्चन क्या आया, मान लो क्वेश्चन आया अपने पास ये वाला CH3COH, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप फिर से लगा लिया H, मान लो उनसे बोला PCl5 गैसियस, और यहाँ को दे दिया PCl5 सॉलिड। एक बात सुन लो, अगर PCl5 के साथ कुछ नहीं लिखा है तो भी उसको आप गैसियस समझोगे, मतलब आप प्रायोरिटी गैसियस को ही दोगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप मानोगे PCl5 कैसा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इट इज गैसियस, सॉलिड होगा तो साफ साफ लिख देगा। तो गैसियस केस में क्या होने वाला है? रिटेंशन, इज एन इंट्रामोलिकुलर, अंदर ही अंदर रिएक्शन, जब भी अंदर ही अंदर, तब तक जब भी अंदर ही अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, तब तब रिटेंशन। तो रिटेंशन होगा CH3 CCl, जिस साइड OH था उसी साइड Cl लग गया, साथ में क्या निकलेगा? PoCl3 साथ में HCl, बाय प्रोडक्ट जरूर याद रखना। यहां क्या होगा? इन्वर्जन, देखो इन्वर्जन हो गया, पलट गया, साथ में क्या निकलेगा? प्रोडक्ट सेम है, PoCl3 प्लस HCl। मतलब पता है ये रिटेंशन इन्वर्जन भी काम कब आएगा? जब ऐसा कार्बन मिल जाए जो कि काइरल कार्बन हो, एल्स कोई डिफरेंस नहीं आएगा प्रोडक्ट में। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है CH3CH2OH, इसमें कोई काइरल कार्बन नहीं है भाई, इसमें कार्बन काइरल है क्या? काइरल कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, इसकी देखो दो तो हाइड्रोजन ही लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस PCl5 लिख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, CH3 CH2 Cl और क्या बना देंगे? PoCl3 प्लस HCl, रट के बैठे हम, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और आता है, मान लो PCl5 की जगह PBr5 लिखाओ तो क्या बना दोगे? यहां पे Br, यहां PoBr3, वहां HBr, ऐसा मत करना क्योंकि PBr5 डज नॉट एग्जिस्ट, PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनके साथ रिएक्शन मत करना। अगर लिख देता है PBr5 तो समझ जाना बेवकूफ बना रहा है, देयर विल बी नो रिएक्शन, ऐसा नहीं कि यहां पे Br, यहां पे PoBr3 HBr। क्लियर हो गया PCl5 का बैलेंस रिएक्शन, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें कॉम्पिटिशन के लिए हमने आपको सिखा दी। क्लियर है? चले नेक्स्ट रिएजेंट PCl3 पे, चलिए इसको मिटा रहे। ओके, अभी तक आपने पढ़ा पहला ल्यूकस, ल्यूकस केस में बना था रेसिमिक, मतलब दोनों का मिक्सचर बना था। दूसरा आपने पढ़ा, और ल्यूकस का मैकेनिज्म SN1 यानी कार्बोकेटाइन की कहानी थी। दूसरा आपने पढ़ा PCl5, इसमें पढ़ा आपने गैसियस, गैसियस केस में हमने बोला SN इंट्रामोलिक्यूलर है, इंट्रामोलिक्यूलर में अंदर से अटैक, अंदर अंदर से जब भी अटैक होगा तो रिटेंशन होगा, जब भी अंदर अंदर अटैक होगा हमेशा रिटेंशन होगा। दूसरा आपने पढ़ा PCl5 सॉलिड,
इसमें क्या होगा, इसमें SN2 मैकेनिज्म है, अभी लिखने को लिख सकते हो आप, समझना है तो डिटेल में 11th में देखना पड़ेगा। और इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन, क्योंकि बाहर से अटैक हो रहा है, बाहर से अटैक तो इन्वर्जन। अब हम चलते हैं PCl3 के ऊपर, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। पहले रिएक्शन देखो, रटो लिखो बैलेंस्ड, आर ओ एच प्लस पी सी एल थ्री, बोर्ड के लिए देखो इंपॉर्टेंट, आर सी एल प्लस एच थ्री पी ओ थ्री। कैसे बना, क्या हुआ, तो मैकेनिज्म देखेंगे, ये बनेगा यहां पे। सी एल्काइल क्लोराइड दोनों में बन रहा है, पर ब्राई प्रोडक्ट का डिफरेंस है, इसलिए बोर्ड में कई बार बैलेंस रिएक्शन आपसे मांग लेता है, कहता है इथेनॉल का बैलेंस रिएक्शन पीसीएल फाइव से लिखो, इथेनॉल का बैलेंस रिएक्शन पीसीएल थ्री से लिखो, दोनों सेम नहीं है। अब आप समझ गए ये बात, समझ गया ROH। अच्छा, इसको बैलेंस लिखा जाए, जब इसको बैलेंस करोगे यहां एक तीन लगा देना, यहां एक तीन लगा देना, बैलेंस हो जाएगा। अल्कोहल पे तीन लगा देना, एल्काइल हैलाइड पे। मान लो हमसे बोलता है इथेनॉल का रिएक्शन लिखो PCl3 के साथ, तो C2H5OH plus PCl3 gives C2H5Cl plus H3PO3। यहां एक तीन लगा दो, यहां एक तीन लगा दो, बैलेंस हो गया, क्लियर है। और PCl5 के केस में क्या था, यहीं पे फिर से प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक में खूब प्रैक्टिस करो, C2H5OH PCl5 C2H5Cl plus POCl3 plus HCl। ये बैलेंस्ड है अपने आप, यहां तीन तीन लगा के बैलेंस होगा, नोट कर ले। मैकेनिज्म देखना चाहेंगे इसका, नोट कर लें, मैकेनिज्म दिखाएं, पॉज करके नोट कर लें, एक दो तीन चार मिटा रहा हूं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इनका, ठीक है। तो ऊपर रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, 3ROH plus PCl3 gives 3RCl plus H3PO3। देखो बहुत से बच्चों को मैं बोल रहा हूं मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है तो आंसर इन्हीं के बेसिस पे मानना है। चलो अब इस पे आते हैं मैकेनिज्म पे, अब हम तो टीचर है, हमारा तो काम है मैकेनिज्म बताना। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये आर ओ एच अपना लोन पेयर डोनेट करना जानता है, और ये पी सी एल थ्री, क्या हुआ यहां से एक सी एल माइनस बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, डोनेट किया तो बना अपने पास आर ओ एच पी सी एल सी एल। फॉस्फोरस को कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बॉन्ड यहां से गया, एक बॉन्ड यहां से मिल गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बिल्कुल आएगा, क्योंकि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और फॉस्फोरस जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया सीएल माइनस को आजाद कर दिया। अब यहां क्या होता है मैकेनिज्म समझो, जब प्रोडक्ट देख लिया तब मैकेनिज्म बता रहे हैं, मैकेनिज्म देखो इसमें ये बनाना है H3PO3, क्या कोई HCl है, नहीं। यहां पे आपसे एक कॉमन गलती क्या होगी कि यहां से H इसको दे दें, इलेक्ट्रॉन इसको दे दें और H+ निकाल के Cl से कंबाइन कर दें HCl, भाई प्रोडक्ट में कोई HCl है ही नहीं, तो ये मैकेनिज्म तो इसका होगा नहीं, तो इसलिए ये स्टेप मत करना, यही बात है, पहले प्रोडक्ट तब मैकेनिज्म, करने में बड़ा अच्छा लग रहा है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचा H+ निकला HCl, पर HCl है ही नहीं भाई, तो क्या हुआ सोचा गया, तो सोचा गया ये Cl- जो है ये अटैक किया इस R पे, किधर से अटैक करेगा, आगे से पीछे से, पीछे से, जब भी कोई चीज बाहर से आ रही है तो इन्वर्जन, पीछे से अटैक, अंदर से आ रही है तो सामने से अटैक, क्लियर है। और अगर कार्बोकेटायन बन गया है तो ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, खैर ये बाहर से आया तो अटैक पीछे से कर रहा है, तो आर पे जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन ने आर से इलेक्ट्रॉन खींचा, आर पे इसने अटैक किया, क्या बना आर सी एल, कैसा होगा इन्वर्जन, साथ में क्या निकला ये इलेक्ट्रॉन खींच चुका है तो पी सी एल सी एल ओ एच, बोलो सही है, पी सी एल सी एल, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, पी सी एल सी एल, और पी से क्या जुड़ा है OH। अभी ये बनाना है, अभी इसके भी तीन मोल बनाने हैं, अल्कोहल के भी तीन मोल यूज करने, तो रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो बना है पी सी एल सी एल ओ एच, ये फिर से रिएक्ट किया एक अल्कोहल से, आर ओ एच प्लस पी सी एल सी एल ओ एच, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के लिख लेते हैं, जगह मिल जाएगा थोड़ी सी, ये यहाँ से देखो सी एल माइनस ने अटैक किया पीछे से, तो क्या बना आर सी एल और बना पी सी एल सी एल और ओ एच। हाँ अब फिर से रिएक्शन आगे बढ़ा, ये पी सी एल सी एल ओ एच आया एक और अल्कोहल, देखो यहाँ तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज होने ना, एक ही यूज किया, तो ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है सी एल सी एल ओ एच,
ये दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, अल्कोहल की वही प्रॉपर्टी, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फॉस्फोरस ने फिर से क्लोरीन एक बाहर निकाला सीएल माइनस, फिर से बना आर ओ एच पी सी एल ओ एच और ऑक्सीजन के बाद प्लस चार्ज। कोई डाउट तो नहीं, यहाँ से सी एल माइनस बाहर गया, फॉस्फोरस इसने इलेक्ट्रॉन दिया, फॉस्फोरस की कोई कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन ने वैलेंस शेल का दिया तो प्लस चार्ज। अब क्या होगा फिर से बताओ, यहाँ से एच प्लस निकाले क्या, एच सी एल नहीं है, फिर ये सी एल माइनस जो निकला था फिर से ये सी एल माइनस इसके पीछे से अटैक किया, इसके पीछे से अटैक किया, फिर क्या बन गया आर सी एल, कैसा बना फिर से इन्वर्जन, पीछे से अटैक कर रहा है, बाहर से अटैक मतलब पीछे से ही होगा, कार्बोकेटायन बनता तो दोनों तरफ से होता, प्लस पी सी एल ओ एच ओ एच, बोले सही है पी सी एल ओ एच ओ एच। तो दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, तीन बनने हैं और तीन अल्कोहल भी यूज होना है, तो ये जो बाय प्रोडक्ट बना है ये फिर आया इंटरमीडिएट जो बना है ये फिर आया आर ओ एच प्लस पी सी एल ओ एच ओ एच। अल्कोहल ने वही किया जो वो करता आ रहा है, लोन पेयर डोनेट किया, क्लोरीन ने यहाँ से बाहर निकलना चाहा सी एल माइनस आर ओ एच पी पी से एक ओ एच बचेगा, एक ओ एच बचेगा, सी एल माइनस निकल गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, फिर से ये जो सी एल माइनस है ये पीछे से फिर से अटैक करेगा, क्या बनेगा आर सी एल, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से अटैक किया ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, प्लस चार्ज खत्म, बन गया पी ओ एच ओ एच ओ एच, ध्यान देखो एच थ्री पी ओ थ्री, एच थ्री पी, ये स्ट्रक्चर होता नहीं एच थ्री पी ओ थ्री का, ये अभी रीअरेंज करता है, दिस इज वेरी अनस्टेबल, अभी ये रीअरेंजमेंट करके H3PO3 का स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, H3PO3 ना, ये अभी रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके ये फॉर्म लेगा P डबल बॉन्ड O O H O H H H3PO3, रीअरेंज। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म, बट बात यही आपको मैकेनिज्म से एक ही चीज पकड़नी थी कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स इट, आपको कुछ और पकड़ना ही नहीं था, PCl3 में क्या होगा हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, बाहर से अटैक हो रहा है, कैसा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN2 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्लोज टू SN2, SN इंट्रामोलिकुलर तो है नहीं है, बोलो क्लियर हुआ, मैकेनिज्म समझ में आया, नोट करना हो नोट कर लें, प्रोडक्ट याद रखें यहां पे H3PO3 बाय प्रोडक्ट में है और PCl5 में POCl3 और HCl बनते हैं, पॉज करके नोट करें, देखो बैलेंस्ड हो गई कि नहीं रिएक्शन, तीन मोल्स ROH के यूज किए, तीन मोल्स RCl के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, साथ में H3PO3 प्रोड्यूस हुआ, बाकी ये जो बन रहा है सब तो चेंज ही हो रहा है बीच में, ये जो बन रहा है बार बार यूज हो जा रहा है, मिटा दें, ओके हाँ, PCl3 के केस में हो सकता हो आपको PBr3 या PI3 लिख के दे दे, ऑल्दो इसको लिखना भी सही नहीं है, इसको लिखने का जो करेक्ट मेथड है वो होगा P प्लस Br2 या P प्लस I2, कहा जाता है कि PBr3 या PI3 इन सिटु प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब तुरंत तुरंत विद इन द रिएक्शन प्रिपेयर किए जाते हैं, फॉस्फोरस प्लस Br2 प्रिपेयर करते हैं और हम मानते हैं कि वो BBr3 जैसा बिहेव करेगा, जैसे मान लो रिएक्शन दे दे आपको CH3CH2OH और एरो के ऊपर लिख दे P प्लस Br2, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हो लाइक PBr3, अब क्या बना दोगे CH3CH2Br और क्या निकल जाएगा हमारा H3PO3, यहाँ पे 3 लगा देना, यहाँ पे 3 लगा देना, बोलो क्लियर है, दिस यू विल ट्रीट लाइक पी बी आर थ्री, इसे पी प्लस आई टू को आप पी आई थ्री की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो ये तो एग्जिट करते हैं बट पी बी आर फाइव एंड पी आई फाइव डू नॉट एग्जिट, तो अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल आयोडाइड बनाने का भी तरीका है ये पी बी आर थ्री वाला, वेरी इंपॉर्टेंट इस केस में, आप और क्या यूज याद रखो कि पी प्लस बी आर टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पी प्लस आई टू भी इस्तेमाल करते हैं, दिस विल रिएक्ट लाइक पी बी आर थ्री एंड दिस विल बिहेव लाइक PI3, बाकी else the whole reaction will be same, बाकी सब वही inversion product बनेगा, बाकी सब कहानी same होगी, note कर लिया,
यहाँ पे ल्यूकस को लिख दें क्या है, कंसेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो इतनी कहानियों के साथ, पॉज करके नोट कर लें, इतनी कहानियों के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड का फ्रॉम अल्कोहल, विच इज यूजिंग SOCl2, नोन एज डार्जेंस मेथड। डार्जेंस मेथड बेस्ट मेथड, बेस्ट बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। लिख लो वाई और देखते हैं, ROH प्लस SOCl2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा डेफिनेटली, RCl प्लस एक ओ यहां से, एक ओ ये, और S SO2, एक H यहां से, एक Cl गया, एक Cl बचा, HCl। ROH प्लस SOCl2, एक ओ यहां से, एक ओ यहां से, SO2 बाहर गया, एक Cl यहां अंदर आया, RCl, एक H बाहर गया, HCl। Why it is the best method? Because the byproduct आर बोथ गैसियस, बाई प्रोडक्ट आर बोथ, मतलब ये दोनों एस्केप कराए जा सकते हैं। अगर इन दोनों को एस्केप करा लो तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको बहुत ईजिली मिल सकता है, और रिएक्शन का रेट भी आप बढ़ा सकते हो। ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं, कि अगर हम प्रोडक्ट्स को हटाते जाएं तो रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड वाला बढ़ जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि इधर से अगर इनको हम हटाते जाएंगे तो रिएक्शन तेजी से आगे भागेगा, इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा। So because the byproducts are gaseous, the byproducts, all byproducts are gaseous. Hence this is the best method. They will escape, वो निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, बचेगा सिर्फ अल्काइल क्लोराइड। Darzen's method. नोट करें, balanced है, नोट कर लिया। मैकेनिज्म देखें इसका, नोट कर लें पॉज करके पहले। सिंस ऑल द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस एंड दे कैन एस्केप एंड हेंस दिस कैन गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ अल्काइल क्लोराइड। आइए देखते हैं मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आइए, ROH प्लस SOCl2, एक ओ एक ओ, पहले RCl बना लो, फिर एक ओ SO2 और HCl। Let us see how this is happening. Let us go to the mechanism. Mechanisms आप इतनी बातें आज के लेक्चर में नोट करना, बाकी तो हम तो पूरा पढ़ा रहे हैं। ROH, SOCl2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये बन गया SOCl2 का स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, Cl, Cl। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड वीक हुआ, वीक होगा ये पाई बॉन्ड, लोन पेयर देख के ऑक्सीजन की तरफ खिसकेगा, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ खिसकेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस देख के लोन पेयर अटैक मारना चाहेगा, तो क्या बनेगा, ROH, ये पाई बॉन्ड खिसका ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन ने खींचा, लोन पेयर देख के पाई बॉन्ड वीक होने लगता है, तो पाई बॉन्ड इधर खिसका, इस पे माइनस, इस पे प्लस आया, सल्फर पे प्लस देख के ऑक्सीजन को दया आया, कहा चलो तुमको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन, सल्फर से जुड़ा है ओ, ओ पे माइनस है और सल्फर पे प्लस नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन ने दया कर दी है, क्या जुड़ा है सल्फर से, Cl और Cl, हाँ दया करते वक्त ऑक्सीजन के खुद का घर टूट गया तो उसके ऊपर प्लस, यही तो होता है ना, कभी कभी दूसरों की मदद करते करते अपनी ही वाट लग जाती है, तो ऑक्सीजन का वही हाल हुआ, तुम पे प्लस चार्ज कैसे आया बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये अपने वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन दिया, देखो खुद पे प्लस चार्ज लेके बैठ गए, ये तो होना ही था। फिर क्या हुआ आगे देखो कहानी में, कहानी आगे बढ़ी, फिर क्या हुआ, वॉट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी, आपको पता है ओ के ऊपर जैसे ही प्लस आता है वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, बिल्कुल चाहता है, अब की बार HCl निकल रहा है ये भी हमें दिख रहा है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा हाइड्रोजन का, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, इसी टाइम पे यहाँ से एक Cl माइनस लेके बाहर निकला, ध्यान से H ने इलेक्ट्रॉन दिया, H प्लस बाहर आया, Cl इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आया, तो क्या निकला बाहर, बाहर निकला माइनस HCl, बचा हुआ स्ट्रक्चर ध्यान से बनाओ, RO, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म,
एस, एस के इलेक्ट्रॉन गए यहाँ प्लस आया, तो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वापस उतर गए, डबल बॉन्ड ओ और क्या बचा, एक सी एल। बोलो आया, ऐसे समझ लो ये वाला सी एल निकला। अब सही है, फिर से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया H प्लस के फॉर्म में बाहर आया, सी एल इलेक्ट्रॉन खींच के सी एल माइनस, एच प्लस सी एल माइनस मिलकर एच सी एल, सी एल माइनस जैसे ही बाहर आएगा सल्फर पे प्लस आया, प्लस आते ही ये पाई बॉन्ड वापस उतरा, डबल बॉन्ड, सल्फर का प्लस चार्ज खत्म, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, ऑक्सीजन का भी प्लस चार्ज खत्म, क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया। पहले क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, माइनस प्लस, ऑक्सीजन निकाले तुम्हारे पास प्लस, लो इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनाया, खुद के ऊपर प्लस ले लिया, फिर क्या हुआ, यहाँ से सी एल माइनस निकला, यहाँ से एच प्लस निकला, क्योंकि एच सी एल निकालना है तो एच सी एल निकाल दिया, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हुआ, यहाँ निकलते इस पर प्लस आया, इसको प्लस देख के ये पाई बॉन्ड वापस आ गया, ये बन गया, ठीक है। फिर क्या बना, आर ओ एस डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब रीअरेंजमेंट होगा इसके अंदर, तगड़ा रीअरेंजमेंट, ध्यान से देखो, तगड़ा रीअरेंजमेंट होने वाला है। यहाँ तक समझ में आया, ये पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आना चाहता था, पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, इसने कोऑर्डिनेट करना चाहा, जरा देखो धीमे धीमे क्या हो रहा है, सब एक ही स्टेप की कहानी हम तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। आर ओ डबल बॉन्ड एस सी एल ओ माइनस, आराम से सोचो, कोई दिक्कत, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर पहुंचा, इस पे माइनस, इस पे प्लस आने वाला था, ऑक्सीजन ने अपनी फिर से दयावान नेचर दिखाया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज लग गया, कोई दिक्कत। फिर से यहां से पाई बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन ने खुद प्लस ले लिया, इसका प्लस चार्ज खत्म। अब क्या हुआ, ये प्लस चार्ज आते ही ऑक्सीजन को फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जुल्म करता है आर और एच के ऊपर, ये खुद तो अपना पहले जाके बाहर बाट आता है कहानी, फिर घर वालों को परेशान करता है, फिर इसने आर से कहा इलेक्ट्रॉन दे दो, आर ने कहा हमको प्लस बना के छोड़ोगे, सी एल ने कहा नहीं हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, सी एल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो यहाँ से सी एल माइनस के फॉर्म में निकलना चाहा, जैसे ही निकलना चाहेगा यहाँ प्लस आएगा और ये पाई बॉन्ड वापस उतरेगा, ध्यान से देखो क्या होगा, ये सी एल माइनस निकल के आर से चिपक गया, बन गया आर सी एल, ये सी एल माइनस निकला आर से चिपका आर सी एल, और ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो चुका है, जैसे ही सी एल माइनस निकलेगा यहाँ पे वापस प्लस आएगा, ये पाई बॉन्ड वापस उतर आएगा, बन जाएगा एस डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ उतरेगा, डबल बॉन्ड ओ एस ओ टू, सी एल माइनस निकलने से प्लस आने वाला था, पर इस पाई बॉन्ड ने बचा लिया, ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसका प्लस खत्म, ऑक्सीजन इधर खींचा, इस पे प्लस, सी एल माइनस इससे। अब आता हो ये सी एल माइनस जो अटैक कर रहा है आर पे, ये सी एल माइनस जो अटैक कर रहा है आर पे, ये अंदर से कर रहा है कि बाहर से कर रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल मतलब एस एन इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर में सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन हो सकता है, तो यहाँ प्रोडक्ट विल बी रिटेंशन, दैट इज द होल मैकेनिज्म, SO2 बन गया, HCl बन गया, RCl। So last was your Dargens method, that is SOCl2 and SOCl2 का mechanism आपने देखा SN intramolecular, intramolecular है तो definitely retention ही होगा अंदर अंदर, नोट कर ले। तो ये चार मेथड आपने पढ़े, रिटेंशन बना लोगे ना, समझ रहे हो, जिस तरफ से Cl OH निकलेगा उसी तरफ से Cl अटैक मारेगा। तो ये चार मेथड आपने पढ़े, मैकेनिज्म सबका पढ़ा, मैकेनिज्म कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बोर्ड के लिए ये बातें कम से कम आपको याद रखनी चाहिए, आज के वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से बोर्ड में सवाल आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से बैलेंस्ड रिएक्शन पूछने की आदत है बोर्ड में कि पी सी एल फाइव और पी सी एल थ्री के साथ बैलेंस रिएक्शन, यहाँ याद रखना है पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल, और यहाँ रखना है एच थ्री पी ओ थ्री। तो यहीं पर लेक्चर करते हैं समाप्त, अगले लेक्चर में लेके आएंगे और प्रिपरेशन मेथड, मेरे ख्याल से प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन्स का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज में मूव करेंगे, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।